हेलो नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आज पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये हिस्ट्री की क्लास है और इसमें मैं आधुनिक भारत का इतिहास, ख़ास तौर से जो इसका स्वतंत्रता संघर्ष वाला पार्ट है, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और यही मेरे टॉपिक इस समय चल रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है सबने अभिज्ञा आंदोलन और उसी से जुड़ा हुआ आपका डांडी यात्रा या डांडी मार्च है और इसी से जुड़ा हुआ आपका जो है वो गांधी इरविन समझौता है और उसके बाद आपका जो है वो गोलमेज सम्मेलन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जनरली हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते ही हैं, तो इसको हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये चारों टॉपिक आपके जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से हम इनको जोड़ करके एक कहानी बनाएंगे और उसमें हमको थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा सा कुछ तथ्य है, जैसे कुछ फैक्ट हैं, कुछ सन हैं, उनको यदि हम अपने दिमाग में रखें, उस कहानी का हिस्सा बना दें, तो इसको हम बड़े आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। तो हम पहला लेते हैं सबने अभिज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। तो जैसा हम जानते हैं कि सबने अभिज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का जो है वो दूसरा बड़ा आंदोलन था। पहला कौन था आपका? असहयोग आंदोलन 1920। तो 1930 में गांधी जी ने जो है वो दांडी यात्रा से जो है वो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। वो कौन सा आंदोलन था आपका? सबने अभिज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे दांडी यात्रा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दांडी यात्रा जो है कब से कब तक थी, तो शुरू कब की थी? 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। तो अभी MPPSC में एक क्वेश्चन आपका आया था कि दांडी यात्रा गांधी जी ने जो है वो कहाँ से शुरू की थी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो अहमदाबाद में स्थित जो है वो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कब की थी? 12 मार्च को। और दांडी जो है वो एक समुद्र का किनारा है, उसका नाम जो है वो दांडी है। तो वहाँ तक की यात्रा की, इसी को जो है हम दांडी मार्च या दांडी यात्रा के रूप में जो है हम जानते हैं। क्योंकि इस यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था कि सरकार द्वारा जो आवश्यक वस्तुएँ, ख़ास तौर से नमक पर जो टैक्स लगाया गया था, उसका जो है वो विरोध करना था। तो गांधी जी ने जो है वो दांडी पहुंच करके मुट्ठी भर नमक उठा करके जो है वो अंग्रेज़ों का जो टैक्स देकर नमक बनाने वाला कानून था, उसको जो है तोड़ा। तो चूँकि ये नमक से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए दांडी यात्रा को कहीं कहीं पे जो है वो उसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह जो है दोनों एक ही बात है। और हम और देखते हैं तो दूरी के लगभग कितनी थी? 322 किलोमीटर दूरी थी और लगभग गांधी जी के पास जो सहायक थे वो कितने थे? 79 जो 79 साथियों के संग गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और जा करके वहाँ पे मुट्ठी भर नमक उठा करके, नमक कानून तोड़ करके एक इंग्लिश शासन को जो है वो एक चुनौती दी। तो दांडी यात्रा जो है वो एक बड़ा ही चर्चित टॉपिक है, बड़ा साहसिक कार्य जो है वो उस समय का माना गया है। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबने अभिज्ञा आंदोलन की। तो सबने अभिज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कोई अलग से डेट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दांडी मार्च के माध्यम से भी शुरू किया गया। तो सबने अभिज्ञा आंदोलन शुरू होने की डेट भी क्या कहलाएगी आपकी? 12 मार्च 1930। क्यों रोशन? 12 मार्च 1930। फिर आगे हम चलते हैं। तो जो सबने अभिज्ञा आंदोलन था उसका पश्चिमोत्तर में प्रांत जो थे वहाँ पर जो है वो इसका नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो किसने किया आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, जो अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम क्या है आपका? खुदाई खिदमतगार। क्या है? खुदाई खिदमतगार, या इसको सरल भाषा में लाल कुर्ती संगठन भी बोलते हैं। लाल कुर्ती संगठन भी बोलते हैं क्योंकि ये संगठनकारी जो थे वो सब किस तरह का? लाल रंग का जो है वो कुर्ता पहनते थे। तो इसके आधार पे जो ये संगठन है आपका खुदाई खिदमतगार, इसको जो है वो लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी
जाना जाता है। फिर हम आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है कि इन्होंने क्या किया, जो लाल कुर्ती आंदोलन था, इनका जो संगठन था, इसने सबने अभिज्ञा आंदोलन में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक क्वेश्चन आपका कई जगहों में आया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो है वो किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को, सीमांत या सरहद गांधी, सीमांत या सरहद गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए हम और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका कि सबने अभिज्ञा जो आंदोलनकारी थे उन पर जो है वो गोली चलाने से जो है वो किसने इनकार कर दिया था, तो वो आपकी कौन सी है, गढ़वाल राइफल्स ने जो है वो सबने अभिज्ञा आंदोलन के में जो है वो आंदोलनकारियों पर जो है वो गोली चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, और इस कारण से गांधी ने क्या किया, अपने शर्त मानते हुए क्या किया, सबने अभिज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, है ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उनको जो है वो निराशा हाथ लगी, और पुनः उन्होंने भारत में आकर के क्या किया, जो सबने अभिज्ञा आंदोलन उन्होंने स्थगित करके गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उसको क्या किया, उसको जो है वो पुनः शुरू करने किया उन्होंने। लेकिन ये देखने में आया कि एक बार स्थगित हो जाने के कारण से इसमें जो पहले जैसी ऊर्जा जो है वो उसमें नहीं आ पाई। परिणाम स्वरूप क्या किया महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल, इस डेट को याद रखिएगा आप लोग, 7 अप्रैल 1934 को जो है वो गांधी जी ने क्या किया, अपना सविनय अभिज्ञा आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। कब वापस लिया, 7 अप्रैल 1934 को। फिर हम अगला चलते हैं, तो हम अब बात कर रहे हैं आपकी गांधी इरविन समझौते की, ठीक है। तो कब हुआ ये, 5 मार्च 1931 को, है ना। और किसके बीच में हुआ, तो एक तरफ थे आपके महात्मा गांधी और दूसरी तरफ थे उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन, तो इन दोनों के बीच में हुआ। और समझौता जो है वो एक प्रकार से ब्रिटिश शासन की ये मजबूरी था, क्योंकि हुआ क्या था कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से जो है वो किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, है ना। तुमको लाके यहाँ खड़ा कर देंगे हमें ना, चुपचाप बैठोगे बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन पर ये दबाव बना कि किसी तरह से गोलमेज सम्मेलन में जो है किसको शामिल किया जाए, कांग्रेस को शामिल किया जाए। फलस्वरूप जो है वो वायसराय पर दबाव बनाया गया, और इस दबाव के तहत जो है वो वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसकी शर्तें क्या थी कि सरकार ने ये बात स्वीकार की कि हम जो है नमक पे टैक्स नहीं लगाएंगे, और जो राजनीतिक बंदी हैं, जो राजनीतिक आंदोलनकारियों के दौरान जो संपत्ति जब्त की गई है, तो राजनीतिक बंदियों को जो है मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और जो संपत्ति जब्त की गई है आंदोलन के दौरान उसको जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और इसके परिणामस्वरूप गांधी जी ने क्या बात स्वीकार की कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी, भाग लेगी। तो यही आपका गांधी इरविन समझौता कहलाता है। और इस समझौते को जो है वो मुख्य भूमिका, माने समझौता करवाने में किस भारतीय की मुख्य भूमिका थी, है ना, बाकी तो एक मजबूरी था, ये ब्रिटिश शासन की एक मजबूरी था ये समझौता करना, लेकिन इसमें एक भारतीय ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कौन थे आपके, ये एग्जाम में आता है आपके, वो कौन थे आपके, तेज बहादुर सप्रू। और एक चीज़ हम और बता दें कि इस सम्मेलन का एक नाम और है, तो इस सम्मेलन को जो है वो दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इस समझौता को जो है वो दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए अगला है हमारा गोलमेज सम्मेलन, तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, लगातार हुए थे, 1930 याद रखें,
पहला 1931, दूसरा 1932, तीसरा और कहाँ पे हुए थे ये? तो लंदन में हुए थे। ये ब्रिटेन में है आपका, ब्रिटेन का एक प्रमुख नगर है लंदन, वहाँ पे हुए थे। और जहाँ पे सम्मेलन हुए थे तो वहाँ की जो मेज थी वो कैसी थी? गोलाकार थी, माने कैसी थी? गोल थी। तो उसी में सम्मेलन हुए थे तो इसके कारण से इसको जो है वो नाम दिया गया सम्मेलन। क्या नाम दिया गया? गोल मेज सम्मेलन। क्या नाम दिया गया? गोल मेज सम्मेलन दिया गया। चलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं आज। और जो पहला गोल मेज सम्मेलन है आपका, ये 1930 में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मैकडोनल्ड, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और चूंकि कांग्रेस ने इसमें जो है वो भाग नहीं लिया था, जिसके कारण से ये सम्मेलन जो है वो सूना सूना रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप दबाव बना, जैसे हमने बताया अभी कि ब्रिटिश शासन पर दबाव बना कि जो है वो किसी भी तरह से जो है वो कांग्रेस का प्रतिनिधि सम्मेलन में आना चाहिए, अगले सम्मेलन में, माने दूसरे सम्मेलन में। तो उसी के परिणाम स्वरूप समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। और हम बात करते हैं अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस की ओर से जो है वो महात्मा गांधी ने भाग लिया इसमें, लेकिन उनके वो भी जो है वो इस सम्मेलन से ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहे, काफ़ी निराशा हाथ में लगी। और जब गांधी जी वहाँ से लौट कर आए तो जब भारतीयों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि सर क्या हुआ वहाँ, गांधी जी क्या हुआ वहाँ के बारे में, तो बोले कि क्या बोला उन्होंने डायलॉग, क्या डायलॉग बोला था, क्या बोला था, लिखवाया है ना? हाँ, माने कि मैं सम्मेलन से कुछ मुझको मिला नहीं, मैं भारतीयों के लिए कुछ ला नहीं पाया, मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मैंने जो है वो ऐसी कोई भी शर्तें एक्सेप्ट नहीं की वहाँ पे जिससे हमारे देश पर जो है वो इज्जत पर बट्टा लगे। तो मैं खाली हो अदपि लौटा हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत पर जो है वो बट्टा नहीं लगने दिया, मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया गया। और वहीं पे एक घटना और हुई थी, है ना, चर्चिल थे, उन्होंने गांधी जी को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि अरे यही गांधी है हिंदुस्तान का, है ना, ये गांधी जी का बहुत बड़ा नाम था, दुनिया भर में नाम था। तो बड़े आश्चर्य से बोला तो अर्धनग्न फकीर, भाई फकीर तो है थे ही गांधी जी, है ना, और क्योंकि एक धोती धारण करते थे तो ज़्यादा शरीर उनका आधा ढका हुआ होता था, आधा खुला हुआ होता था। तो चर्चिल ने जो है उनको क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। और एक आध क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, बहुत मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहला, दूसरा, तीसरा या तीनों? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। और फिर से गांधी जी वापस आए, फिर उन्होंने हमने ऐसा बताया था कि उन्होंने अपना सबने विज्ञान आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सका, फलस्वरूप गांधी जी ने जो है वो सबने विज्ञान आंदोलन वापस ले लिया। फिर हम बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपका? 17 नवंबर 1932 को हुआ। और इसमें भी कोई खास बात नहीं रही, कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं तो गोलमेज सम्मेलन जो उसका मूल उद्देश्य था कि भारतीयों से विचार विमर्श करके और जो अधिनियम भारतीयों के लिए कोई कानून बनाया जाए वो जो है वो पूरा नहीं हो सका। यद्यपि तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो बातें हुई उसमें, उसके परिणाम स्वरूप भारत में एक कानून बनाया गया। वो कानून कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और एक क्वेश्चन और बड़ा घिसा पिटा है इसमें आता है कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने तीनों भाग लिया था। ये अभी कुछ इनकी आलोचना करते हैं, जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा था तो आप वहाँ गए क्यों थे? तो अंबेडकर ने इसका बड़ा सहजता से जवाब दिया कि मैं जो है वो दलितों के हित के लिए पैदा हुआ हूँ और दलित के हित की मैं बात करता हूँ, तो मैं तो हर जगह जाता हूँ जहाँ दलित के लिए मुझे कुछ मांगने का अवसर मिले।
तो इसी उद्देश्य से मैं जो है वो तीनों सम्मेलन में गया। कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं थी, क्योंकि भारत की किस्मत का फैसला जो वहाँ पे होने वाला था, इसलिए मैं वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गया था। तो कैसा लगा टॉपिक? ये छोटा टॉपिक है, लेकिन ये चारों चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। तो सबने अभिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ किससे? दांडी यात्रा शुरू हुआ। फिर आपका दांडी यात्रा के बाद क्या हुआ कि गांधी में समझौता हुआ, क्योंकि इसी दौरान जो है वो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था पहले में, परिणामस्वरूप दबाव बनाया गया ताकि भाग लें गांधी जी, और उसी का परिणाम था ये गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया, लेकिन निराशा हाथ लगी। सम्मेलन के बारे में उन्होंने बता दिया है। ये सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका, ख़ास तौर से देख लेते हैं तो बता दें आपको, तो कल हमारा जो है वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, जैसे पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और आपका दिल्ली चलो का एक नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। और एक आपका पाकिस्तान की पृथक मांग कब की गई, किसने की गई, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और उसके बाद हम आपको जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हो सकता है कल हम आपको बताएं। देखिए कितने टॉपिक पूरे होते हैं, तो ठीक है, देखिए इसको, अच्छा लगे तो शेयर करिए। और मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। और ये मेरी क्लास ही है, उसी क्लास का ये जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।